थोड़ा पेनफुल होता है, जवानी बहुत होती है ना ऐसे जी में। आई फैमिली विल सी कि नेक में क्या रिलैक्सेशन आती है आफ्टर 20 मिनट्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथ एंड डिफॉर्मिटी करेक्शन पेन। आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर हेमंत। इनको एक्यूट नेक स्पाज़म आया, एक्यूट नेक पेन आया, उसकी वजह से इनकी नेक की मूवमेंट्स नहीं हो रही। चार दिन से हो रहा है ना सर, एक बार मूवमेंट करके दिखाएंगे, गर्दन की मूवमेंट करिए, इधर नहीं हो रही ना, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो रही। नीचे कर दीजिए गर्दन को, नीचे इसे पेनफुल है, ऊपर की तरफ नीचे हो, ऊपर नहीं जा रही, राइट में जाइए, लेफ्ट में आइए, बिल्कुल नहीं, तो लेफ्ट से बिल्कुल मूवमेंट नहीं, इट्स वेरी पेनफुल है, ओके, इधर पेन है टिश्यू को। सो वी आर प्लानिंग फॉर अल्फा 1 अल्फा 5 कपल ब्लॉक्स एंड वी विल सी द रिजल्ट्स आफ्टर 30 टू 30 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, हमारे पेशेंट मिस्टर हेमंत, जिनको बहुत एक्यूट स्पाज़म था नेक की मूवमेंट्स के अंदर, तो इसे जानते समय क्या रिलैक्सेशन आई है और कितनी मूवमेंट्स में है? आपको भी इंजेक्शन के बाद कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ जी, फर्क नजर आ रहा है, पहले बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, अब तो इतनी मूवमेंट्स करके दिखाएंगे सर। पहले गर्दन नीचे आराम से, ये थोड़ी फ्री फील हो रही है पहले से, ठीक था ऊपर, अभी जब आप पीछे की तरफ ले जा रहे हो तो फ्री हो रहा है। हाँ, पहले जा ही नहीं रहा था, हल्का सा पेन था, जा ही नहीं रहा था। हमें कंधे को नहीं हिलाना है अभी, आपको पहले राइट की तरफ मूव करिए, राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ लाइए, वेरी गुड, मूवमेंट आ रही है पहले से? हाँ, मूवमेंट आ रही है, पहले बिल्कुल नहीं जा रही थी, नहीं पहले जा ही नहीं रही थी, पहले इधर ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द मूवमेंट, कि जो मूवमेंट अगर इनकी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी वो कम्प्लीटली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आने लगी है। नाउ ही इज फीलिंग रिलैक्स, आने लगी है, ठीक है, दोबारा से करके देखेंगे, सी द मूवमेंट एंड सी द मूवमेंट, वी आर नॉट मूविंग द शोल्डर, ले जाइए उधर, इधर लाइए, वेरी गुड, रिलैक्स फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, मूवमेंट आ रही है आपको, लग रहा है ना? हाँ, पहले से, पहले से तो, कोई घबराने की बात नहीं, अब लेफ्ट की तरफ लाइए, घुमाइए, लाइए, वेरी गुड, पहले इतना हो रहा था? नहीं, पहले इतना नहीं हो रहा था। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी इंजेक्शंस। मैं इनको वही बता रहा था कि डीएससीबी फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स 20 मिनट से 30 मिनट में अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और भी एक्शन प्रोलॉन्ग रहता है, 7 डेज से लेके किसी को महीनों तक, सालों तक भी रह सकता है। ही माइट नीड सेकेंड रिपीटेशन, ही माइट नॉट नीड सेकेंड रिपीटेशन, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे इंजेक्शन की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, ठीक है। आगे में पेशेंट को फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन, आई स्पेक्स एप्लीकेशंस और फ्यू मेडिकेशन से पेशेंट कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकता है इसी तरीके से। तो ये एक्यूट स्पाज़म है, इसमें गर्दन की पोस्चर को करेक्ट रखना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, नेक सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस, एक्यूट नेक स्पाज़म है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, एक्यूट लोअर बैक एक है, शटिका पेन है, इन सारी कंडीशंस के लिए डीएससीबी इंजेक्शन को पेन मैनेजमेंट में यूज़ किया जा सकता है, ताकि आप इमीजिएटली एक्टिवली अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल में आ सके और आपका पेन सिम्टम्स इमीजिएटली खत्म हो सके, साथ में आपकी पेन एनाल्जेसिक्स रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और आप जल्दी से जल्दी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ स्टाइल आ सकते हैं। ऐसे कोई भी समस्या आपको, आपके जानने वाले, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलती है। इसके चैनल सब्सक्राइब करें ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।